और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के हिंगोली से एक और लव जिहाद का केस सामने आया है। यहाँ साजिद नाम के एक शख्स पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। साजिद पर आरोप है कि शादी के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यही नहीं, ऐसा करने से मना करने पर साजिद ने लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया और उसे जान से मारने की धमकी दे दी। आखिर में पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे मामलों पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकेगी, क्योंकि ऐसे कई केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और श्रद्धा मर्डर केस के बाद इन मामलों के प्रकाश में आने पर कार्रवाई की मांग ज्यादा हो चली। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर साजिद नाम का एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड पर लगातार धर्म परिवर्तन का आरोप बना रहा था और धर्म परिवर्तन के दबाव के साथ साथ उसने यौन शोषण भी किया और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के हिंगोली से ये खबर सामने आई है। पहले ये शख्स लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, फिर जब उसके लिए शादी के लिए कहा गया तो इसने फिर जान से मारने की धमकी दी।